अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं शोएब कमर और आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड to express a chemical reaction in terms of formulas and symbols. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो है एक शॉर्ट एंड मेथड है। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट एंड मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का, किसी भी उनके सिंबल्स और उनके फार्मूलाज में। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, वो रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, सॉरी, ये सॉलिड है हमारे पास और ये गैस है। ये जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, मैंने सोडियम लिखा है और मैंने क्लोरीन लिखा है और उसके साथ मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड, मैंने एरो भी लगाया है। ठीक है, तो इनके मैंने स्टेट्स भी लिखे हैं। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं ये केमिकल इक्वेशन, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हम यूज क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर हम इनके नाम लिखेंगे तो एक बड़ा ही सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि अगर मैं लिखूं सोडियम लिखूं, ठीक है, उसके बाद मैं लिखूं सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो आप देखें, ये मैंने एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, तो ये एक बड़ा सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये एक बड़ा सेंटेंस बन गया, इसमें कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल मैंने नहीं किया। तो इस बड़े प्रोसेस को छोटा सा बनाने और एक सिंपल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। यहाँ पर हमने क्या बनाया है, सोडियम की हमने सिंपल लग रही है और यहाँ पर क्लोरीन की भी हमने सिंपल लग रही है और सोडियम क्लोराइड की भी हमने सिंपल लगाई है। आसान सा मेथड है जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं इसके, बहुत सारे रिएक्शन आपको दिखेंगे, तो आप बस ऐसे ही समझ लें किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम हीट देते हैं इसको हम, तो ये टूट जाता है। ठीक है, ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में जो सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक गैस है। तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये केमिकल इक्वेशन है। आपको बात समझ में आ गई होगी यकीनन। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो अब हम इनके पार्ट्स डिस्कस करते हैं कि केमिकल इक्वेशन के पार्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन के पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन को देख के कि इसमें जो ये सिंबल्स यूज हुई हैं पता नहीं ये इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये क्यों यूज हुई हैं, ठीक है। तो अब हम उन सिंबल्स को देखते हैं कि उन सिंबल्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक एरो हमको नजर आता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें मिलता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, found between reactants and products, found between reactants and products means, it means react to form, it means react to form, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब है कि ये आपस में रिएक्शन करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन है। तो यहां पर हम ये एरो लगाते हैं, वो यहां पर लगाते हैं, आप देखें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो एरो है ये प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेशन देता है हमें, ठीक है, इंडिकेट करता है प्रोडक्ट को। तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है, तो इसका मतलब ये है। उसके बाद दूसरी एक सिंबल है हमारे पास, वो भी एरो के टर्म में ही है, वो ऐसे है, ठीक है। आपको अगर एरो मिले किसी भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में और एरो के ऊपर से ऐसे क्रॉस आया हो, तो आप समझ जाएं कि इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस नहीं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको एरो ऐसे नजर आए, क्रॉस लगा हुआ हो उस पर, तो आप समझ जाएं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। उसके बाद दूसरी एक सिंबल आती है, वहां पर लिखा होता है एस। तो एस का मतलब क्या है, एस जो है वो इंडिकेट करती है सॉलिड स्टेट को, इट इंडिकेट्स टू सॉलिड स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के नीचे से अगर आपको एस दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि ये सॉलिड में है। जैसे फिर से हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये सोडियम, ये क्लोरीन, तो ये क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के नीचे से आपको एस दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के नीचे से जी दिखाई दे तो आप समझ जाएं ये गैस है, ठीक है। तो इनका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर एस जो है किसको रिप्रेजेंट करती है या फिर किसको इंडिकेट करती है, सॉलिड को। उसके बाद एल अगर आप देखें तो आप समझ जाएं कि वहां पर जो रिएक्टेंट है वो क्या है, लिक्विड है, इट इंडिकेट्स टू लिक्विड स्टेट, इट इंडिकेट्स टू लिक्विड स्टेट। अगर आपको जी दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वहां पर गैस है, ठीक है, इट इंडिकेट्स टू गैसेस स्टेट। अगर आपको AQ नजर आए, AQ, तो आप समझ जाएं कि वहां पर AQS सॉल्यूशन है, ठीक है, AQ। तो ये किसको इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स टू एक्यूएस सॉल्यूशन, किसको इंडिकेट करती है, ये एक्यूएस सॉल्यूशन को इंडिकेट करती है, ठीक है। उसके बाद भी इनके कुछ जो है वो पार्ट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब इनके और भी पार्ट्स हैं बहुत। तो अगर आपको डेल्टा दिखाई दे, सॉरी यहां पर मैं डेल्टा बना देता हूं ट्राइंगल, तो अगर आपको ये डेल्टा दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है हीट को, इट इंडिकेट्स टू हीट। तो आप समझ जाएं कि वहां पर जो हीट है
वो केमिकल रिएक्शन में यूज की गई है। उसके बाद अगर आपको वहां पर HV दिखाई दे, HV, तो आप समझ जाएं कि वहां पर लाइट जो है वो ऐड की गई है, लाइट इज एडिट। इसका मतलब है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन में लाइट जो है उसका यूज किया गया है। उसके बाद अगर आपको ऐसा दिखाई दे इलेक्ट, ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर आपको ये दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज की गई है, इलेक्ट्रिसिटी इज एडिड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज एडिड। उसके बाद दो जो है वो दूसरे इसके पार्ट्स हैं केमिकल इक्वेशन के, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो भी एरो के ही क्रम में है। तो अगर आपको ये एरो दिखाई दे किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद, तो आप इसका मतलब ऐसे समझें कि वहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो गैस है, ठीक है। इट या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट इज गैस, प्रोडक्ट इज इन गैस फॉर्म। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप फर्ज करें यहां पर N2 हमारे पास गैस है और 3H2 हमारे पास गैस है, ठीक है। ये गैस है तो इसको हम G लिखेंगे, इसको भी हम G लिखेंगे क्योंकि ये दोनों गैस हैं। तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2NH3 बन जाता है। तो आप यहां पर देखें कि जो यहां पर प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट बना है तो वो क्या है, वो गैस है। तो इसको हम ऐसे एरो से लिखेंगे, ये एरो जो है वो लिखेंगे। इसका मतलब ये है जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, वो गैस है, ठीक है। तो अब इसका लास्ट पार्ट है जो भी एरो के क्रम में है, ये जो है ये यूज होती है किसी भी प्रोडक्ट के बाद, इट इज यूज्ड आफ्टर द प्रोडक्ट, आफ्टर द फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट, फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट मीन्स दैट देयर इज इनसॉल्युबल पीपीटी, इनसॉल्युबल पीपीटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट के साथ ऐसा एक मटेरियल जो डिपॉजिट हुआ है वो इनसॉल्युबल है। ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा सॉलिड मटेरियल बन जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, बन जाता है, जो इनसॉल्युबल होता है, उसकी सॉल्यूशन जो है वो नहीं बनती, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ऐसा दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि जो प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट के साथ एक सॉलिड मटेरियल भी बनाए जो इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन थी और उसके साथ ये उनके कुछ पार्ट्स हैं। थैंक यू।